तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी टीम के लिए कि जो इतना अच्छा गाना जिन्होंने कंपोज किया है देव आशीष, उनके लिए मैं स्पेशली बहुत बधाई देना चाहूँगी। और ये गाना है एक ड्यूट सॉन्ग एंड दिस इज आई थिंक आई कैन से दिस इज अ सेंसुअस रोमांटिक सॉन्ग विच इज तेरे इश्क में, अभी अभी जस्ट गाया और गा के मैंने बहुत एंजॉय किया। दिस इज वेरी नाइस सॉन्ग। सो आज मुहूर्त हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आगे भी इनकी फिल्मों में मुझे गाने का मौका मिले। तेरे इश्क में दराना नना दाराना, क्यों तेरे इश्क में आहा, क्यों तेरे। गाने का मूड जो है बहुत अच्छा मूड है, आज के पीरियड में जो गाने चल रहे हैं सेम उसी का है। थोड़ा फिल्म का सिचुएशन है, सेडिक्टिव है, एंट्री सॉन्ग है हीरोइन का, हीरो का, और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बाकी तो ऑडियंस है, मगर गाने बहुत अच्छा है, अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। खुशबू जैन ने गाया है इसको और नाजिम गा रहे हैं डुएट। फिल्म की बात करें, म्यूजिक जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट विषय होता है म्यूजिक का, आप कैसे देखिए फिल्म की बात? तो म्यूजिक 100% है कि म्यूजिक जो है फिल्म चलनी है, जान होती है फिल्म की, पैरेलल चलती है म्यूजिक फिल्म वीडियो ऑडियो। बिकॉज आजकल जो है गाने जो आ रहे हैं कुछ ऐसे भी हो कि एकदम ऑडियो सुन सके लोग, उस लेवल का गाना अच्छा बने। वीडियो में तो देखते हैं फिर इंटरेस्ट आता है, बट ऑडियो उस लेवल का होना चाहिए कि खाली मोबाइल में भी अगर कोई सुने तो उसको बस कानों को अच्छा लगे। मेन चीज हमारी तो मेहनत हुई और वही कोशिश है कि सब लोग पसंद कर रहे गाना, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस चीजों को। और दुआ करिए कि फिल्म हमारी अच्छी जाए, अच्छी चले, सब लोग देखिए थिएटर में जाएंगे। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसमें नया क्या म्यूजिक दिया है आपको, क्या कुछ मिलेगा इसमें? एक्चुअली ये नया कंसेप्ट तो समझ ही नहीं आया इसलिए कि नया क्या किया है। नया तो किया ही, ऑब्वियसली लोग हर बार नया ही करते हैं, हर बार लोगों को समझ नहीं आता कि नया किसी को रिपीट नहीं किया है। बट एक रिपीट एक ये है कि अब तक जो सेडिक्टिव सॉन्ग आए हैं, जिस हिसाब के सॉन्ग्स आए हैं उसमें ये होता है कि वॉइस क्या काम करती है, गला क्या काम करता है, लिरिक्स क्या हिसाब क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोगों को, बस वो पावरफुल होना चाहिए। गलत चीज नहीं बता रहे हम, उसको एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और लिरिक्स में पावर है, बहुत अच्छा है। हिमांशु ने लिखा है लिरिक्स, एक बच्चा है, नया है, लेकिन 22 इयर्स यंग टैलेंट, लेकिन बहुत कमाल का लिखा है उसने। और वो जब लिरिक्स होती है तो ऑटोमेटिकली गाना उठ के आता है, तो यही नयापन होता है। जब भी लिरिक्स अच्छी होती है वो एक नयापन आ गया। म्यूजिक तो सेम बनता है, सारे गाना से बाहर है नहीं, साथ सुरे कितने लिखा नहीं था। और लिरिक्स कमाल है इस फिल्म में और फिल्म का स्टोरी भी बहुत अच्छा है। मीन्स एकदम नया टॉपिक है, कुछ ऐसा नहीं कि रिपीट हो रही है फिल्म में, अच्छा मैसेज है फिल्म में भी जा रहे हैं।